बूढ़े किसान की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसने खूब मेहनत करके अपने खेतों की रखवाली की और अपने तीनों बेटों की परवरिश की। उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे। किसान बीमार हो गया। वह अब उसे ये चिंता सताने लगी कि उसके बाद खेतों की रखवाली कौन करेगा, बेटों का घर कैसे चलेगा। उसे एक युक्ति सूझी। उसने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि हमारे खेत में खजाना गड़ा है, उसकी खुदाई करना, तो तुम्हें जो खजाना मिलेगा आपस में बांट लेना। किसान की मृत्यु हो गई। वह अब उसके बेटों ने खेत में खजाना पाने के लिए खुदाई शुरू की। उन्होंने खेत खोदे पर कोई खजाना नहीं मिला। फिर उन्होंने खेतों में बीज बोए व खेत जोते। उनकी मेहनत रंग लाई व खेत लहलहाने लगे। अब उनकी समझ में आया कि फसल ही असली खजाना है।